हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख सकते हैं ये एक प्लांट है हिबिस्कस का, जिस पर मिली बग ने अटैक कर रखा है और पूरे ही प्लांट में, पूरे ही ब्रांच पर मिली बग जो है फैले हुए हैं और चिपके हुए हैं। और ये एक सफ़ेद ऐसा कीड़ा है जो कि बिना हटाए खुद से जा नहीं सकता है, और इसको रिमूव करना थोड़ा मुश्किल होता है। बहुत से फर्टिलाइज़र मैं यूज कर चुकी हूँ, ये जाते हैं और फिर उसे वापस आ जाएंगे 2-3 महीने बाद। तो इस वीडियो में मैं एक ऐसा फर्टिलाइज़र यूज करूँगी जिससे ये मेरा जो प्लांट है इसमें से मिलीबग जाएंगे और फिर दोबारा जल्दी नहीं आएंगे, क्योंकि बहुत से करने के बाद फिर मैंने ये वाला यूज किया है तो मुझे अच्छा रिजल्ट मिला है, जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। मैं हूँ कल्पना शर्मा और स्वागत है आप लोगों का कल्पना इमेजिन चैनल पर। तो इस वीडियो में मैं आपको एक सीक्रेट और शेयर करूंगी, जो कि ये जो प्लांट हमारा डेड हो रहा है, जो हमारा ग्रोथ रुका हुआ है मिलीबग के कारण, वो तेज़ी से ग्रो होगा। और रेगुलर जो हर प्लांट पर अपने गार्डन में मैं स्प्रे करती हूँ ताकि हमारा प्लांट थोड़ा कीड़ों से बचे रहे, तो आप देखिएगा। तो चलिए वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। तो सबसे पहले मैं इस प्लांट को वॉश करूंगी, मतलब सादा पानी से इसको मैं धोऊंगी। और जब भी मिली बग हो तो इसकी मिट्टी सूखी रखना है, ज़्यादा वाटरिंग बिल्कुल भी नहीं करना है। ज़्यादा अगर वाटरिंग करेंगे तो मिली बग ज़्यादा फैलेंगे। तो मैंने एक स्प्रे वाटर बोतल लिया है, मैं इसी से स्प्रे करके पूरे ही प्लांट को वॉश करूंगी ताकि जब भी मैं फर्टिलाइज़र यूज करूं, कीटनाशक वाला जो मैं बनाऊंगी, तो ज़्यादा प्लांट पर असर ना करे। तो सबसे पहले मैं वॉश करके मिलीबग को रिमूव करूंगी। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से मैं वॉश कर रही हूँ। इसी तरीके से जो भी मिलीबग अटैक कर रखे हैं प्लांट पर, पहले वॉश कर लेना है ताकि फंगीसाइड जब यूज करें हम तो उसका असर प्लांट पर ज़्यादा ना हो, क्योंकि जब भी हम लोग यूज करते हैं तो हमारा कहीं ना कहीं थोड़ा सा प्लांट पर असर करता है, जो कि अच्छा नहीं होता है। तो जितना कम हम लोग यूज करेंगे इस तरह के कीटनाशक जो होते हैं, तो ज़्यादा अच्छा होता है। तो देख सकते हैं मैंने पूरी प्लांट को वॉश कर लिया है। इसको मैं कहीं दूर जाकर के फेंकूंगी, सिंक में ड्रेनेज कर सकते हैं, नाली में ड्रेनेज कर सकते हैं, मतलब दूर फेंकना है। तो फंगीसाइड बनाने के लिए सर्फ भी ले सकते हैं, जो घर में सबके आसानी से रहते हैं। एक चुटकी लेना है, ये हाफ लीटर के बोतल में, अगर 1 लीटर का बोतल है तो हाफ टीस्पून के करीब लेना है, मतलब थोड़ा सा लेना है चुटकी भर। ये हैंड वॉश है, हैंड वॉश की जगह डेटॉल भी ले सकते हैं। अगर हैंड वॉश लेना है तो 1 ml के करीब लेंगे, 1 लीटर पानी में मिक्स करके फिर उसका स्प्रे कर देंगे। तो मैं ये 1/2 लीटर का बोतल है, इसमें मैं जो यूज करूँगी, जो मुझे सबसे अच्छा लगा वो है लिक्विड डिटर्जेंट, जिसका रिजल्ट मुझे काफ़ी अच्छा लगा। ये वासमेट का है लिक्विड डिटर्जेंट, जो घर में आसानी से अवेलेबल ही रहते हैं, जो मिल ही जाते हैं, ख़रीदना बिल्कुल भी नहीं है। आप शैम्पू भी यूज कर सकते हैं, बहुत से चीज़ें हैं जो यूज कर सकते हैं, मुझे इसका सबसे ज़्यादा अच्छा रिजल्ट देखने को मिला। जो आप इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा तो ज़रूर देखिएगा कि किस तरीके से इसका काम है। तो ये मैं जो कहते हैं 1 ml के करीब में ले रही हूँ, मतलब 1/2 टीस्पून के करीब में मैं ये 1/2 लीटर बोतल है, जो 1/2 लीटर पानी में मैं इसको डाइल्यूट कर रही हूँ और इसको अच्छी तरीके से सेक कर लेंगे। अगर 1 लीटर का बोतल रहेगा, 1 लीटर पानी है, तो उसमें 1 से 1.5 ml के करीब मैं इसको मिक्स करूँगी। तो इसको अच्छी तरीके से मैं सेक कर लूँगी, इसको मैं स्प्रे करूंगी और मिलीबग गायब हो जाएंगे। अगर नहीं गायब होते हैं तो 1 हफ्ते बाद फिर से आपको स्प्रे करना है, बट मुझे तो नहीं लगता है कि 1 हफ्ते बाद आएंगे। आप देख सकते हैं वॉश करने से ही ज़्यादा मिलीबग्स गायब हो गए हैं, बट फिर नहीं आए, उसके लिए मैं इस स्प्रे का यूज कर रही हूँ। एक एक ब्रांच में अच्छी तरीके से मैं इसको स्प्रे कर दूंगी, कोई कोना नहीं छूटे, कोई पत्ती नहीं छूटे। जो बचेंगे इसमें जो स्प्रे जो वाटर है वो बचेंगे, तो उसको मैं मिट्टी में थोड़ी सी डाल दूंगी, जो कि मिट्टी में अगर मिलीबग्स गिर गए होंगे, अगर थोड़े बहुत होंगे तो वो भी मर जाएंगे हमेशा के लिए। तो अच्छी तरीके से इसको स्प्रे कर देना है, कोई प्लांट कोई ब्रांच नहीं छूटे। और जब भी इसको करना है एकदम मॉर्निंग में करना है, चाहे इवनिंग में करना है, और दूसरे दिन शावर करके अच्छी तरीके से धो देना है। तो आप देख सकते हैं स्प्रे करने के बाद ये 5 से 6 दिन का है। और एक बात मैं बता दूँगी, जब ये स्प्रे करेंगे तो दूसरे दिन हमारा प्लांट थोड़ा सा
थोड़ा सा ये पत्ते पीले मुरझाए दिखेंगे तो हड़बड़ाना बिल्कुल भी नहीं है, वो थोड़ा सा स्प्रे के कारण होता है। फिर एक हफ्ते बाद जो मैं इसमें यूज करती हूँ, तो मैं अधिकतर सभी प्लांट में यूज करती हूँ, वो है एलोवेरा। एलोवेरा की पत्तियाँ एक दो तोड़ लेना है फ्रेश, अगर गंदे हैं तो धो लेना है, पहले साफ़ कर लेना है, सबके गार्डन में मिलते ही हैं। उसको अच्छी तरीके से मिक्सर ग्राइंडर में पीस लेना है, कुछ इस तरीके से बिना पानी डाले हुए। आप देख सकते हैं मैं इसका स्प्रे बनाऊंगी, ये हमारे प्लांट को ग्रो तेज़ी से करते हैं। इसको मैं कपड़े पर छान लूँगी, कपड़े पर मैं इसलिए छानूँगी ताकि स्प्रे वाटर बोतल में ये फंसे नहीं, हमारा स्प्रे आसानी से हो। तो इसको आप देख सकते हैं छान लूँगी, और वो जो छाने हुए बचेंगे उसको मैं पानी में डाइल्यूट करके भी प्लांट में डाल लूँगी। तो आप देख सकते हैं ये 30 ml के करीब हमारा निकला है, जो कि 2 से 2.5 लीटर का बोतल है, इसमें मैं पानी में डाइल्यूट कर लूँगी इतना। अगर 1 लीटर पानी है तो उसमें आपको 20 ml आपको डाइल्यूट कर लेना है और स्प्रे कर देना है। आप एक हफ्ते, 10 दिन बाद, महीना दिन बाद कोई भी प्लांट पर कर सकते हैं, और करने के बाद आपको खुद ही रिजल्ट देखने को मिलेगा। तो आप देख सकते हैं पानी में मैंने कुछ इस तरीके से डाइल्यूट कर लिया है, और इसको सेक कर लूँगी, और बाकी को बचे हुए थोड़े से पानी मिक्स करके अच्छी तरीके से धो करके भी इसमें मैं मिक्स कर लूँगी, इसको अच्छी तरीके से सेक कर लूँगी, और मैं इसको स्प्रे कर लूँगी। मैं यही एलोवेरा की जगह यही आप पानी में, इतना पानी में आप 2 ml नीम ऑयल मिक्स करके एक हफ्ता बाद वो भी स्प्रे कर सकते हैं। मैं एक हफ्ता बाद ये स्प्रे कर रही हूँ, फिर एक हफ्ता बाद मैं नीम ऑयल का स्प्रे करती हूँ। ये सब जो है घर में पड़े रहते हैं, और आसानी से इन सब को यूज करके कीड़ों से छुटकारा पाया जाता है। तो आप देख सकते हैं इसका मैं पूरी तरीके से स्प्रे कर दूँगी। वैसे तो बहुत ही मात्रा में बहुत ही ज़्यादा घरेलू उपाय हैं, अगर इतना बताने लगूंगी तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो जो बचे हुए छाने हुए थे उसको मैं पानी में डाइल्यूट करके आप देख सकते हैं मैंने मिट्टी में डाल दिया है, ताकि हमारा प्लांट हेल्दी रहे। और आप देख सकते हैं हमारा हिबिस्कस का प्लांट अब कितना तेज़ी से ग्रो हो रहा है, और कितनी तेज़ी से फैल रहा है, और सारे ही ब्रांच हमारे सही हैं। मिलीबैग का दोबारा अटैक हुआ ही नहीं है कि दोबारा मुझे ये स्प्रे यूज करना पड़े। मैं रेगुलर वही नीम ऑयल यूज कर रही हूँ, और समर सीजन है तो मैं एलोवेरा यूज कर रही हूँ, जिसका रिजल्ट मुझे अच्छा देखने को मिला। आई होप आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और लाइक को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो अब देख सकते हैं हमारा प्लांट किस तरीके से अब बिल्कुल ही मिलीबग से रिमूव हो चुका है, और ही कुछ ही दिनों में इस पर फ्लावरिंग भी शुरू होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।